ज्ञान देण्यासाठी आदर्श व्यक्तींची गरज असते. आणि आपल्या शाळेला एक अमूल्य अशी भेट साहेब आदर हिरण साहेब तुम्हाला एक म्हणले छोटी आमच्या दृष्टीने छोटीशी भेट पण आमच्या दृष्टीनं आमच्या गावाच्या दृष्टीनं खूप मोठी लाखो कोटीची ही भेट आपण या ठिकाणी दिली. शिक्षण शिक्षणाला उपयोग कशासाठी आहे कुठेतरी समाजाला उपयोगी पडत असेल तर त्या शिक्षणाचा एक उपयोग होईल. समाजाची गरज बघून समाजाच्या खरोखरच्या गरज बघून जे प्रोजेक्ट होतात ते खरंच प्रोजेक्ट फायद्याचे असतात लोकांच्या फायद्याचे. आज हम लोगों को ये जो 69th रिपब्लिक डे के दिन बहुत खुशी हो रही है. इस गांव में आकर हम लोगों को यहां के बच्चे और यहां के गांव वालों को मिलकर उनको ये जो छोटी सी देन हमने दी है बहुत छोटी सी है मगर उनका दिल और उनका जो भावनाएं हैं उनको देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है. कभी कभी हम लोग डिजिटल इंडिया और बहुत सारे विकास की बात करते हैं मगर ये देख के भी हमें कभी कभी लगता है कि अभी भी इतने सारे गांव हैं जहां हम लोगों को इस तरह की सुविधाएं हैं बिजली की या पानी की या जो रोड की सुविधाएं हैं अभी तक पहुंची नहीं है. तो मुझे लगता है हम लोग अगर साथ मिलके जो शहर वाले जो दे सकते हैं और उनके साथ गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के हम लोग अगर करेंगे तो पूरा देश की उन्नति हो सकती है. नमस्कार. असं म्हणतात की भारत हा खेड्यात राहतो पण असं वाटत नाही की भारत हा खेड्यात राहतो कारण खेड्यात आल्यावरच आपल्याला कळतं की खेड्यामध्ये काय काय फॅसिलिटी आहे. जेव्हा आम्ही खेड्यात येतो तेव्हा आम्हाला दिसतं की बेसिक जी नीड आहे अन्न वस्त्र निवारा याच्या व्यतिरिक्त आजची जी बेसिक नीड आहे ती आहे इलेक्ट्रिसिटी. तर ती इलेक्ट्रिसिटी जर आज खेड्यात नसेल तर आपण कसं काय म्हणू शकतो की आपला भारत हा प्रगत देश झालेला आहे. की सातारा में एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे को लाइट नहीं है फैन नहीं है उन लोग को बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है. सो हमारे सर ने हमको गाइड किया कि आपको वहाँ पे करना चाहिए और एक्चुअली हम सबको भी लगा कि जब तक कोई भी प्रोजेक्ट किसी सोशल चीज़ से रिलेटेड ना हो जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता.